हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस सेशन के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है, वो अमरूप टर्म है, एक अमरूप वो न्यूज़ में रही थी उसके रिगार्डिंग है। अमरूप क्या होता है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कॉमोडिटी। अमरूप क्या है, वो रबर से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये रबर पोर्टल है उसके लिए है, रबर के लिए कुछ पोर्टल बनाया गया है अमरूप। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज लॉन्च्ड बाय रबर बोर्ड, इसको रबर बोर्ड ने लॉन्च किया है, दिस इज करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो अमरूप के बारे में हम और जानकार लेते हैं, तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। अपडेटेड वर्जन ऑफ ऑनलाइन पोर्टल है ये, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का पोर्टल है अमरूप, ठीक है, अपडेटेड पोर्टल। तो इसके अंदर जो भी इसकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम्स आ रही है इंडस्ट्री की, उसको रबर ट्रेड की से रिलेटेड उसको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये रबर ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है रबर ट्री से, रबर एक फ्लूड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो रबर बोर्ड एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि सेक्शन 4 रबर एक्ट 1947 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, कोटायम केरला। तो स्टेचुटरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, कोटायम केरला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का। तो फंक्शन क्या क्या है इसके, ये साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है, किस में ट्रेन करता है, इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्लांटिंग कल्टिवेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसके अंडर स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है। ये एडवाइस देता है रबर ग्रोवर्स को, एडवाइस भी देता है। देन मार्केटिंग को प्रमोट करता है रबर की, स्टेटिस्टिक कलेक्ट करता है, एंड जो वर्कर्स हैं उनकी जो कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी ये काम करता है, और एनी अदर फंक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डेजिग्नेट कर दे। तो लेटेक्स ऑफ ए ट्री नेम्ड एज हेविया ब्राजिलियनिसिस से रबर को प्राप्त किया जाता है, जैसे कि हम देख चुके हैं पिक्चर में। तो रबर ट्री है वो फास्ट ग्रोइंग ट्री होता है, 6 से 7 साल लग जाता है इसको ग्रो करने में जब हमको रबर मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट है वो 20 से 30 मीटर तक जा सकती है, एंड ये ब्राज़ील का नेटिव है, इसका नाम से ही देख सकते हो ब्राजिलियनिसिस, तो ये ब्राज़ील का नेटिव है, ठीक है। 1902 के अंदर ब्रिटिश इंडिया के अंदर लेके आए थे पहली बार उन लोगों ने, पेरियार रिवर के किनारे प्लांटेशन को स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। उससे पहले भी काम चल रहा था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पहला जो कमर्शियल प्लांटेशन है वो ब्रिटिश के द्वारा 1902 में पेरियार नदी के किनारे स्टार्ट किया गया था। तो एक और प्लांट है गुट्टा पैचा, जिससे भी हमें रबर प्राप्त होता है, इसकी लेटेक्स से ही प्राप्त होता है। एक और प्लांट है, तीसरा प्लांट है ब्लाटा, उससे भी हमको रबर प्राप्त होता है। तो तीन प्लांट हो गए, कौन कौन से, ये वाला हेविया ब्राजिलियनिसिस, दूसरे वाला गुट्टा पैचा, एंड थर्ड इज ब्लाटा। तो इनसे हमें क्या है, रबर मिलता है। इसको हेविया ब्राजिलियनिसिस को पेरा रबर भी बोला जाता है, पेरा रबर, ठीक है, प्लांट। देन ये जो प्लांट है वो कौन सा है, ये वाला है, वो गुट्टा पैचा है, गुट्टा पैचा, जो कि येलोइश और ब्राउनिश लेदरी मटेरियल होता है जो इसे लेटेक्स से ड्राइव किया जाता है, ठीक। एंड नेक्स्ट, जो रबर के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है इसको ग्रो करने के लिए, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, तो ये मेनली ट्रॉपिक्स वाले रेंज होता है, ट्रॉपिक के 10 डिग्री कह लो या फिर 20 डिग्री कह लो उसके अराउंड होता है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन इसके लिए जरूरी होती है। हॉट में देखेगा तो 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, 25 to 35 डिग्री हॉट कंडीशन। देन ह्यूमिड में देखोगे तो 200 से 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल इसके लिए आइडियल मानी जाती है, एंड रेनफॉल है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, और इस पर जो स्लोपिंग होना चाहिए थोड़ा सा, किसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। देन डीप रिच एंड वेल ड्रेन्ड लॉमी सोयल को इसको आइडियल माना गया है। मेनली इसको किया जाता है, 400 मीटर हाइट होती है, एलिवेशन देखें तो सी लेवल से 400 मीटर की एलिवेशन वाली जो हिल्स वगैरह होती हैं उन पर इसको किया जाता है प्लांटेशन को। ये लेबर इंटेंसिव क्रॉपिंग है, तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है, 25 से 35 डिग्री का तापमान, 200 से 300 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल, जो कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट द ईयर,
डीप रिच एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल्स होनी चाहिए अबव एन एलिवेशन ऑफ 400 मीटर देन इट इज अ लेबर इंडस्ट्री क्रॉपिंग देन जो विंटर होती है ना उसके अंदर रबर की ग्रोथ है वो स्टेग्नेट कर जाती है इसलिए मेनली ये नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा कम होता है ग्रो कर पाता है एंड उसको विंटर वाली जो प्रॉब्लम आ रही है ग्रो नहीं करता है तो उस कंडीशन को रिजोल्व करने के लिए एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर बनाया गया है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे तो ये विंटर्स के अंदर इसकी ग्रोथ है वो स्टेग्नेट हो जाती है एंड क्योंकि ड्राई सोइल भी क्या है ड्राई हो जाती है उस टाइम पे ये इसके कारण इमेच्योरिटी पीरियड है यानी कि 6 से 7 साल लग जाते हैं हमको ग्रो करने के रबर को स्पीसीज को ग्रो करके फिर जब वो हमें रबर देना स्टार्ट करता है 6 से 7 साल का इमेच्योरिटी पीरियड होता है इसका बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ठीक है देन 20 से 30 साल तक के लिए हमें रबर प्राप्त होता है एक बार देना स्टार्ट हो जाता है तब 20 to 30 ईयर इसकी कॉमर्शियल लाइफ होती है तो इंडिया के अंदर मेनली वेस्टर्न घाट में इसको कल्टिवेट किया जाता है ये यहाँ पे इस वाले रीजन में केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर केरल है दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है तीसरे पे कर्नाटक है नॉर्थ ईस्ट में भी इसको कल्टिवेट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही पिछले साल की न्यूज़ है ये थोड़ा सा कह सकते हो आप कि वहाँ पे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट किया गया है असम के अंदर तो नेशनल रबर पॉलिसी कब आई थी 2019 की अंडर गवर्नमेंट ने रिलीज की थी नेशनल रबर पॉलिसी तो प्रोड्यूसर कौन कौन से है इंडिया के अंदर केरल तमिलनाडु कर्नाटक 3 टॉप प्रोड्यूसर नॉर्थ ईस्ट में भी कल्टीवेट किया जाता है वेस्टर्न घाट के अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है तो ये मेनली इक्वेटोरियल क्रॉप है जो कि ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट के अंदर होती है ठीक है इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है देन इसको वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ कल्टिवेट किया जाता है तो ब्राजील में किया जाता है ब्राजील है देन इसके अलावा थोड़ा सा कि यहाँ से ट्रॉपिकल एरिया वाला है ये ट्रॉपिक्स यहाँ से इक्वेटर पास होता है जैसे तो इक्वेटर तो नीचे से पास होता है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ठीक है पास होती है तो इक्वेटर नीचे से है ठीक है देन तो इक्वेटोरियल वाला रीजन है मेनली एंड इसके अलावा यहाँ से देखोगे तो ये इंडिया है चाइना है एंड साउथ ईस्टर्न वाले जितने भी नेशन हैं थाईलैंड रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कई सालों से तो नंबर वन पे थाईलैंड आता है ठीक तो इंडिया की पोजीशन है वो 5वें 6वें नंबर पे रहती है इंडिया कभी 5वें पे आ जाता है कभी 4थे पे आ जाता है कभी 5 6 पे आ जाता है लेटेस्ट डाटा हम बाद में देखेंगे एग्जाम के आसपास आप देख सकते हो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है जीएम रबर से ठीक है जिसकी हमने बात की थी इसको वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट को रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने असम में प्लांट किया है ये वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर स्पीशीज है इसके अंदर एक जीन डाला गया है उस जीन का नाम क्या है मैग्नीज कंटेनिंग सुपरऑक्साइड डाइम्यूटेज तो मैग्नीज कंटेनिंग सुपरऑक्साइड डाइम्यूटेज नाम का जीन डाला गया है अमानसोडी तो मनसोड कह सकते हो अमानसोडी जो मैग्नीज एंड सुपरऑक्साइड डाइम्यूटेज का नाम का इसमें जीन डाला गया है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि कौन सा जीन है ये क्या है किससे रिलेटेड है ये पूछा जाता है इसे जैसे क्राइवन एसी पूछा जा चुका है किससे रिलेटेड है वो इससे रिलेटेड है किससे रिलेटेड आप मेरे को बताओगे कमेंट में दैन कूल कंडीशन होती है उसके ये काउंटर करेगा ये जीन होता है वो हमने कहा है कि जो कोल्ड कंडीशन में रबर ग्रो नहीं कर पाता है तो उसको काउंटर करने के लिए ये मैंगनीज कंटेनिंग सुपरऑक्साइड डाइम्यूटेज जीन इसके अंदर डाला गया है तो दिस गिव एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राउट कंडीशन तो ये जीन याद रखना है किससे रिलेटेड है जीएम रबर से रिलेटेड है किसने इस स्पीसीज को बनाया है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है जो कि रबर बोर्ड के अंदर काम करती है असम में इसको प्लांट किया गया था तो रबर प्लांटेशन के अंदर वो है हमारी 100% एफडीआई अलाउड की गई है कॉफ़ी के अंदर भी 100% एफडीआई अलाउड की गई है प्लांटेशन है तो रबर की जो प्लांटेशन है कॉफ़ी की है टी की है कार्डमम की है पाम ऑयल की है ऑलिव ऑयल ट्री की है 100% इसमें एफडीआई अलाउड है इंडिया के अंदर देन नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था हमारा ई नेम से रिलेटेड ई नेम क्या होता है ठीक है तो जो इसमें पहला जो बोला गया था कि यूनिफाइड मार्केट बनाने की बात है तो ई नेम क्या है ये एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ई नेम ठीक है एंड जो कि फिजिकल एग्जिस्टिंग जो हमारी एपीएमसी मंडीज होती हैं जहाँ पे फार्मर्स अपना जो सामान बेचते हैं प्रोडक्शन होता है जो भी क्रॉप होती है उसको जहाँ पे बेचा जाता है फिजिकल जो मंडी होती है उनको एपीएमसी मंडी बोला जाता है उनको इलेक्ट्रॉनिकली इसमें कनेक्ट किया गया है एंड वहाँ से ऑक्शन की जा सकती है
इसके अंडर, ठीक है, घर बैठे ऑक्शन कराई जा सकती है, ठीक है, वहां पे लेके आना पड़ेगा पहले इसको, फार्मर्स को अपना प्रोडक्ट एपीएमसी मंडी के अंदर लाना पड़ेगा, और एपीएमसी मंडी को ऑनलाइन किया गया है, जहां वहां से उसको कोई भी देश में बैठा हुआ कोई भी बंदा वहां से बोली लगा सकता है, ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ई नेम को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? एसएफएसी इंप्लीमेंट कर रहा है। एसएफएसी क्या है? ये स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंजोर्टियम है, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। तो ई नेम को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंजोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू कोडाइन ड्रग्स। तो ये कोडाइन ड्रग्स न्यूज में रही थी, तो क्यों न्यूज में रही थी ये बाद में बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉफी। तो ये कॉफी का बाई प्रोडक्ट है क्या कोडाइन ड्रग? नहीं, ये कॉफी का बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये ओपियम का बाई प्रोडक्ट है, ओपियम। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड, इट इज ए पेन किलर एंड मोस्टली यूज टू ट्रीट कफ कोल्ड एंड पेन। तो ये सही बात है, ये कोडाइन ड्रग्स होती है वो कफ वाली, कफ को जो ट्रीट करने के लिए हम जो पीते हैं दवाई उसको बोला जाता है कोडाइन ड्रग्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो कफ से रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कि अफ्रीका में इंडिया से जाने वाली कफ से, एक्सपोर्ट होने वाली इंडिया से, उनमें से हरियाणा के सोनीपत में जो कफ बन रही थी वो स्पूरियस थी, तो वहाँ से कुछ बच्चों की डेथ भी हो गई थी, ये न्यूज़ में था, परंतु अभी रिपोर्ट आई है कि वो सही थी ड्रग्स। तो सही थी या गलत थी वो तो भगवान जाने, पर ये न्यूज़ में था टॉपिक। तो सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट इज ड्रग वाज बैंड इन इंडिया। तो ये ड्रग कफ ड्रग में हम यूज करते हैं, इसको बैन नहीं किया गया है, तो दिस इज रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, टू स्टेटमेंट इज ऑनली करेक्ट हियर। तो कोडाइन ड्रग इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ओपियम, ठीक है। तो ड्रग टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड ने इसको रिकमेंड किया है बैन करने के लिए ऑन सर्टेन, कुछ एक कोडाइन बेस्ड फॉर्मुलेशन पे, एंड ताकि इनका अब्यूज किया जाता है। ये कफ वाली ड्रग्स होती हैं जो नशेड़ी लोग होते हैं उनको ये पी जाते हैं, तो इसमें उनको नशा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये इनका अब्यूज किया जाता है मेनली त्रिपुरा वगैरह में, इसको बहुत सारे स्टेट में किया जाता है, इसको पी के घूमते रहते हैं। कोडाइन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ओपियम का बाई प्रोडक्ट है, जिसको पेन किलर भी बोलते हैं, ये पेन किलर भी है, कफ और कोल्ड एंड पेन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। एंड जो एक बॉडी है उसके बारे में हम आगे देखें, ठीक है। दान ये कोडाइन ड्रग्स में क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है, कोडाइन फॉस्फेट होता है, एंड जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कोडाइन ड्रग्स में, कोडाइन फॉस्फेट। इसके अलावा एक और कंपाउंड है क्लोरफिनेरमाइन मेलिएट, ये भी होता है, जो कि क्या होता है, एंटी हिस्टामानिक इन एडिशन टू कोडाइन फॉस्फेट विच काज सेडिशन। तो ये जो कंपाउंड है क्लोरफिनेरमाइन मेलिएट, ये सेडिशन कॉज करता है इन ड्रग के अंदर फॉर्मुलेशन में, इनको यूज किया जाता है कोडाइन फॉस्फेट प्लस क्लोरफिनेरमाइन मेलिएट को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ड्रग बनती है ये कफ वाली सिरप होती है। इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स और होते हैं इनके अंदर, जैसे कि ये देख सकते हो नीचे दिया हुआ है, बुप्रेनोरफाइन, अल्प्राजोलम, डायाजेपाम, देन नाइट्राजेपाम, देन डेक्सा मेथाजोन, ये सब हैं, वो उनके कैप्सूल भी लिए जाते हैं। त्रिपुरा में इसका वाइडली यूज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, अब्यूज, यूज और अब्यूज। एंड इसको बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट, बांग्लादेश में ये बैंड है, तो उसमें वहाँ पे भी ये लोग क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन से लेके जाते हैं वहाँ पे इलीगली। तो एक और इसमें जो यूज किया जाता है वो है फेंसिलडाइल, फेंसिलडाइल कोडाइन बेस्ड ड्रग्स में ये भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें होता है हाइड्रोक्लोराइड, एफेड्राइन एंड प्रोमेथाजाइन होता है, ये भी इसके लिए कफ ड्रग्स के लिए यूज होता है। तो ये एनाल्जेसिक भी होते हैं कोडाइन ड्रग, एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को दूर भगाती है, इसलिए नशेड़ी लोग इनको ज़्यादा यूज करते हैं, पी लेते हैं बहुत सारे लोग पूरी की पूरी बोतल। दैन ड्रग्स दैट आर अब्यूज्ड कैन बी क्लासिफाइड, इनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम, नेचुरल ड्रग जो नेचर से मिलती है, जैसे कि ओपियम, पॉपी से जो मिलने वाली ड्रग है वो नेचुरल ड्रग है, कैनाबिलिस एंड कोका, कोका से हमें मिलती है कोकेन,
कोका से क्या मिलती है? कोकेन, ठीक है। ओपियम और पॉपी से हमें क्या मिलता है? चरस और हसीस, जो हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। ओपियम और पॉपी को हम बोलते हैं पापावेर सोमनीफेरस, ठीक है। एंड सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं, कौन सी ड्रग्स होती है? सेमी सिंथेटिक ड्रग जो कि नेचुरली अवेलेबल प्लांट्स होते हैं, उनको फिर थोड़ा सा क्या है, प्रोसेस करके इनको बनाया जाता है सेमी सिंथेटिक को। एंड सिंथेटिक होती है वो कंप्लीटली लेब के अंदर बनाई जाती है, इनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ओपियम पॉपी होता है उसका जो ब्यूटीफुल रेड एंड वाइट फ्लावर्स होते हैं, जूस जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं बॉल्स में, तो इसकी ऐसी बॉल्स बन जाती हैं, फिर इनके अंदर सुई मार के वो लोग क्या है इंसीजन करते हैं, इंसीजन करते हैं तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये ब्राउनिश टू ब्लैक लिक्विड इन पे जमा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओपियम या ओपियम गम बोला जाता है, ठीक है। ओपियम पॉपी का प्लांट होता है जिसका बॉल्स होती हैं, बॉल्स पे इसको लेंसिंग करते हैं, इस प्रोसेस को लेंसिंग बोलते हैं, इंसीजन वाली प्रोसेस को, एंड जिससे बाहर आ जाता है ब्राउनिश टू ब्लैक, ये क्या होता है, ओपियम या ओपियम गम। तो इसका ड्रग ऑफ अब्यूज है नार्को NDPS एक्ट के अंदर, इन सबको बैन किया हुआ है, इसके अंदर पनिशमेंट हमने देख चुके हैं पहले ही। तो कैनाबिस प्लांट होता है नेक्स्ट, इस कैनाबिस प्लांट होता है जो कि वाइल्ड में ग्रो करता है एंड इलीगली इंडिया के अंदर भी कल्टिवेट किया जाता है। इससे जो रेजिन प्रोड्यूस फ्लोर होता है ना, वो जो कैनाबिस का जो फ्लोर होता है उससे क्या मिलता है, गांजा मिलता है। और इसकी जो रेजिन होती है, जिस प्लांट की जो रेजिन होती है, उसको हम क्रश करके क्या बनाते हैं, हसीस और चर्स बनाते हैं कैनाबिस की, ठीक है। एंड हसीस ऑयल इज प्रोड्यूस थ्रू द डिस्टिलेशन, इसका जो डिस्टिलेशन करेंगे कैनाबिस का, उससे क्या मिलेगा हमें, हसीस ऑयल, वो भी क्या होता है, ड्रग्स यूज किया जाता है। कोकोआ प्लांट से हमें क्या मिलती है, कोकेन मिलती है, कोकेन इज ए स्टिमुलेटिंग ड्रग होती है। एंड ओपियम, गांजा, हसीस, हसीस ऑयल एंड कोका लीव्स एंड कोका पेस्ट आर नेचुरल ड्रग है, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक ड्रग का एग्जाम्पल क्या क्या है, सेमी सिंथेटिक ड्रग का एग्जाम्पल है मॉर्फिन है, कोडाइन है, हीरोइन है, आर सेमी सिंथेटिक ड्रग। तो मॉर्फिन, कोडाइन एंड हीरोइन क्या है, सेमी सिंथेटिक ड्रग है। कोकेन है, कोकेन है वो कोकेन कोका प्लांट से बनाई जाती है, ये भी क्या है, सेमी सिंथेटिक ड्रग है। देन सिंथेटिक ड्रग है जिनको लेब में कम्प्लीटली बनाया जाता है, वो कौन सी है, एम्फेटामाइन, एकास्टिसी, डायाजेपाम, मेथाक्यूलोन, कोमलिकार्डेज, मैंड्रेक्स। तो मेथाक्यूलोन न्यूज में रहती है, इसको मैंड्रेक्स भी बोला जाता है, ये क्या है, एक सिंथेटिक ड्रग है। देन इसका बहुत सारे ड्रग्स का क्या क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि स्टिमुलेंट्स होते हैं, स्टिमुलेंट्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अब्यूजर, ये एक्टिविटी उसको और एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। इसमें सम एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट का एग्जाम्पल देखोगे तो कौन सा है, एम्फेटामाइन है, वो स्टिमुलेंट की तरह यूज किए जाते हैं। सेडेटिव की तरह कौन कौन से यूज किए जाते हैं, ओपियम, ओपिएट सब्सटेंसेस होते हैं, सेडेटिव होते हैं, ठीक है। हेलोसिजन, हेलोसिजन का एग्जाम्पल है LSD, LSD इज वन ऑफ द वेल नोन हेलोसिजन, जिससे हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है LSD से। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स काम द नर्व ऑफ एन एडिक्ट, ठीक है, ये नर्व को काम कर देते हैं बिना उसे स्लीपी फील किए हुए, बिना उसे स्लीपी फील कराए हुए, तो ट्रैंक्विलाइजर्स आर यूज्ड। देन जो ओपियम का जितना भी कल्टीवेशन होता है उसको कौन प्रिक्योर करता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है उसको प्रिक्योर करती है, उसके अंदर एक बॉडी होती है, इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, गोवा, GOAW है, ठीक है, गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कोलॉइड वर्क्स, इसको फिर ये सारा का सारा ट्रांसफर किया जाता है, ये उसको प्रोसेस करती है। एंड इसके जो गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कोलॉइड वर्क है, इसकी दो फैक्ट्री है इंडिया के अंदर, गाजीपुर के अंदर है, सेकेंड इज नीमच के अंदर है, गाजीपुर यूपी के अंदर है और नीमच एमपी के अंदर है, इसकी दो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये एल्कोलॉइड प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो मार्केट में ये लोग बेचते हैं, इनका जो ड्रग्स वगैरह कफ वाले ड्रग्स में है। एल्कोलॉइड प्लांट एक्सट्रैक्ट द एल्कोलॉइड फ्रॉम द ओपियम एंड सेल देम टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बेचते हैं, ठीक है। तो पॉपी स्ट्रा होता है जो हस्क लेफ्ट कर जाता है पॉपी को, ओपियम को काटने के बाद में, उसको क्या बोलते हैं, पॉपी स्ट्रा बोलते हैं, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉड्स, ठीक है। द पॉपी स्ट्रा वेरी स्मॉल मॉर्फिन, इसमें थोड़ी सी मॉर्फिन भी होती है इसमें, इसलिए ये भी NDPS एक्ट के अंदर बैंड है, ठीक है। इसके अंदर आपका मिल जाए पॉपी स्ट्रा तो वो आपको पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है, जेल भी हो सकती है, सफिशेंट क्वांटिटी में इसको यूज करोगे तो इट कैन गिव वेरी हाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एवलांच, विद रेस्पेक्ट टू एवलांच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज अ लार्ज परसिस्टेंट बॉडी ऑफ आइस वेयर द एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो एंड सलीट एक्सीड द अमाउंट ऑफ स्नो दैट मेल्ट्स। ये कहता है कि जितनी स्नो डिपॉजिट होती है, दैट इज मोर देन, जितनी स्नो
मेल्ट होती है, तो डिपोजिशन इज मोर देन मेल्टिंग। तो ये ग्लेशियर के केस में होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये एवलांच की डेफिनेशन थोड़ी है। एवलांच तो इज रनिंग एनीथिंग, रनिंग आइस, और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो दैट इज एवलांच, तो रनिंग आइस और स्लीट, और व्हेन इट इज, जब इसके अंदर ये क्या है, जब इसके अंदर सोयल होगी तब हम उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये क्या कौन सी कंडीशन पे होती है, जहाँ पे स्लोप अनस्टेबल होता है तब होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन आल्सो काज एवलांच, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब भी हो सकता है एवलांच, क्योंकि जो बर्फ़ के नीचे की जो लेयर होती है वो यदि जल्दी से मेल्ट कर जाए, ये यहाँ से नीचे से मेल्ट कर जाए तो फिर ये जल्दी से नीचे आएगा, ठीक है आएगा ना, तो ये इसका खतरा बना रहता है नीचे आने का। दैन थर्ड स्टेटमेंट इज दिस इज करेक्ट है, स्लेब एवलांच आर मोर डेंजरस देन दी स्लेब एवलांच, ठीक है। स्लेब होती है, स्लेब एवलांच में पूरा का पूरा स्लेब भी नीचे आता है, पूरा का पूरा स्लेब एक पार्ट होता है, ठीक है। एंड स्लेब क्या होती है, ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज जो ऊपर ऊपर पड़ी रहती है, स्नप स्नप नीचे वाली नहीं ऊपर वाली होती है, ऊपर वाली स्नो होती है उसको क्या बोलते हैं, स्लेब बोलते हैं, ये अनऑर्गेनाइज होती है। तो स्लेब एवलांचेज आर लेस डेंजरस होती है स्लेब, यानी कि इसका पूरा का पूरा पार्ट ही वो नीचे आ रहा है तो वो ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू थोड़ा थोड़ा आ रहा है उसको। दैन दिस इज स्लेब एवलांच होती है, वो ज़्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू स्लेब एवलांच, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दे आर लेस डेंजरस होती हैं दैन स्लेब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू ओनली, सी फॉर कैलकटा इसका आंसर है। तो एवलांच आया था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली, ठीक है, वहाँ पे माउंटेनियर्स स्वाहा हो गए थे। दैन तो बहुत जल्द एवलांच क्या होता है, इट इज अ मूविंग मास ऑफ स्नो दैट कंटेन रॉक सॉयल और आइस कास्ट बाय डायरेक्ट लोडिंग ऑफ स्नोफॉल ऑफ लार्ज स्केल विद द सिस्टम ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। तो इसके बारे में क्यों आ सकती है एवलांच, क्यों आती है, ओवरलोडिंग हो जाए उसकी स्नो की, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए दोनों, स्नो पैक कंडीशन यानी कि बहुत ज़्यादा स्नो डिपॉजिट हो जाए, वाइब्रेशन अर्थक्वेक के कारण वाइब्रेशन आ सकता है, या फिर कोई बम वम फोड़ दे तब भी आ सकता है, एक्सप्लोजिव के कारण वाइब्रेशन होते हैं जिसके कारण जो बॉन्ड होता है आइस का वो टूटने लग जाता है उसके बीच में। तो दैन आगे इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये जो एवलांच आती है उसके तीन जोन होते हैं मेनली, जोन ऑफ ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट होती है उसको जोन ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, फिर ये रनिंग जोन होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, जहाँ पे स्टॉप करता है उसको क्या बोलते हैं, रन आउट जोन, जहाँ पे वो ऊपर से आने वाला मटेरियल है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो आता है नीचे वो यहाँ पे रन आउट हो जाता है, यानी कि वो आगे रन नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगा, दिस इज द जोन ऑफ डिपोजिशन, यहाँ पे सारा डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। इसके तीन मेनली जोन होते हैं। देन एवलांची, एवलांच के दौरान मेनली मास ऑफ स्नो आइस और सॉयल नीचे स्लाइड करता है, जब ये रॉक और सॉयल होती है एवलांच के अंदर तब हम उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो एवलांच होती है वो कौन सी होती है, स्नो वाली होती है, स्नो स्लाइड्स। तो स्नो स्लाइड इज मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एवलांच, ठीक है। तो ये स्टीप स्लोप होगी तब, किसी भी माउंटेन की स्टीप स्लोप होगी तब ये नीचे आता है, ठीक है। तो एवलांच अगर देन ए स्नो पैक इज सिंपली ए लेयर ऑफ स्नो दैट बिल्ड अप इन एरिया सच एज साइड ऑफ, ये लेयर ऑफ स्नो होती है स्नो पैक कंडीशन, एक के ऊपर एक लेयर लग जाती है तो उसको स्नो पैक कंडीशन बोला जाता है। देन टू मेन टाइप हमने डिस्कस कर लिया, स्लेब एवलांच एंड स्लेब एवलांच होती है, ठीक है। देन स्लेब एवलांच अकर व्हेन द वीक लेयर ऑफ ए स्नो पैक इज ऑन द टॉप, यानी कि वीक लेयर टॉप पे होगी तब अकर करेगी। एंड स्लेब इज ए स्मॉल स्लाइड ऑफ ड्राई पाउडरी स्नो दैट मूव्स एज ए फॉर्मलेस मास, तो ये किसी फॉर्म में नहीं होती है, फॉर्मलेस मास होती है, जबकि स्लेब एक काइंड ऑफ फॉर्म में होती है ऐसे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये स्लेब भी फॉर्म होती है, फॉर्मलेस होती है, ड्राई पाउडरी फॉर्म में होती है स्लेब। देन स्लेब वाली होती है वो एक स्लेब की तरह फॉर्म होती है, वो कॉम्पैक्ट होकर एक स्लेब बन जाती है। एंड तो ये अकर करती है स्लेब वाली, अकर स्वयं दी वीक लेयर्स लाइज डाउन इन ए स्नो पैक्स, तब वीक लेयर नीचे होगी इसके तब ये स्लेब अवलांच आ जाएगी। स्लेब अवलांच इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू स्लेब अवलांच। तो अभी रिसेंटली क्या है, एक एवलांच मॉनिटरिंग रडार इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इसको इंस्टॉल किया गया है सिक्किम के अंदर। तो इसको इंस्टॉल किसने किया है, एवलांच मॉनिटरिंग रडार है तो यानी कि ये एवलांच को मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो ये इंडियन आर्मी ने, डीआरडीओ का एक इंस्टीट्यूट है, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, डीजीआरई, ठीक है, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इसके साथ मिलके इन्होंने इसको बनाया है, फिर इसको इंस्टॉल भी किया है सिक्किम के अंदर।
ये मॉनिटर करेगा। एंड इसको इनोग्रेट किया गया था ट्राई शक्ति कॉर्प के द्वारा, कमांडर है उसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, ठीक है। एंड दान इसको बनाया किसने है, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक चंडीगढ़ बेस्ड लैब है डीआरडीओ की। ये कहाँ पे है, ये चंडीगढ़ में है, डीआरडीओ की एक लैब है, ठीक है। इसके बारे में हम और देखते हैं, डीआरजीई जो है इंडियन आर्मी का एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली इंटेलिजेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ट्रेन इंटेलिजेंस सॉल्यूशन के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाती है। एंड इसको दो इंस्टीट्यूट है, स्नो एवलांस स्टडी सेंटर एंड डिफेंस ट्रेन रिसर्च, इनको मर्ज करके बनाया गया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है, बेस्ड है, तो ये आर्मी के लिए कटिंग एज ट्रेन इंटेलिजेंस सॉल्यूशन बनाती है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है दिस रडार है, ठीक है। एंड तो एवलांच मॉनिटरिंग रडार, ये रडार के बारे में देखते हैं, तो ये 3 सेकंड में बता देगा कि अभी एवलांच आने वाला है, ठीक है। तो ट्रिगरिंग, जब कभी एवलांच की ट्रिगरिंग होगी उसके 3 सेकंड में ये हमें अलार्म बजा देगा कि अभी एवलांच आ रहा है, दूर दूर जाओ, आप जितना रेस्क्यू कर सकते हो रेस्क्यू कर लो ताकि ह्यूमन लाइफ को सेव किया जा सके, ठीक है। इट कैन सी थ्रू द स्नो फॉग एज वेल एज इन नाइट, तो ये ऑल वेदर रडार है, स्नो के अंदर भी देख सकता है, फॉग के अंदर भी, नाइट के अंदर भी देख सकता है, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है, 2 किलोमीटर इसकी रेंज है, 2 किलोमीटर। तो 3 सेकंड इसका ट्रिगरिंग टाइम है, 2 किलोमीटर इसकी रेंज है, 2 स्क्वायर किलोमीटर है, 2 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो इसकी रेंज है। देन ये ऑल वेदर रडार है, काम किस पे करता है, इसके अंदर शॉर्ट माइक्रोवेव पल्सेस का यूज किया जाता है, शॉर्ट माइक्रोवेव पल्सेस हैं जिनको स्केटर किया जाता है किसी ट्रेन पे, किसी स्लॉप पे, और उसको मॉनिटरिंग की जाती है। जब भी वो ट्रिगर होना होता है तब उसके 3 सेकंड में ये बता देगा कि अभी अवलांच आने वाला है, भाग जाओ, ठीक है। तो इसमें एक अलार्म सिस्टम भी लगा हुआ है दैट इनेबल ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड वार्निंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट हेल्प इन्वेस्टर ट्रेक द मूवमेंट इन बॉन्ड्स इन मल्टीपल जुरिस्डिक्शन एंड एड इन रिलेटिव कंपेरिजन। तो ये जो ट्रेक करते हैं इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो बॉन्ड मार्केट है उसको ट्रैक किया जाता है, डेप्ट मार्केट या बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको ट्रैक किया जाता है डेवलपिंग कंट्री के अंदर। तो दिस इज करेक्ट है, और ये इन्वेस्टर्स यानी कि फोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है, उनको हेल्प करता है कितना डेप्रिसिएशन किसी करेंसी में हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो उसके हिसाब से ये लोग अपना फोन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जेपी मॉर्गन एंड ब्लूमबर्ग बार्क्लेज आर 2 पॉपुलर ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इंडाइसिस हैं। तो ये भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो जेपी मॉर्गन एंड ब्लूमबर्ग बार्क्ले ये 2 ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इंडाइसिस हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया जो कि 2nd लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट है विद इन द अमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है। अमर्जिंग मार्केट के अंदर, अमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर इंडिया 2nd लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट है, पहला चाइना है, दूसरा इंडिया है। ओवरऑल में कौन सा है, ओवरऑल में यूएस सबसे बड़ा बॉन्ड मार्केट है, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट यूएस है, एंड अमर्जिंग इकोनॉमी में चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, ठीक है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस, तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस, तो दिस इज करेक्ट है। एंड डिस्पाइट बींग 2nd लार्जेस्ट अमर्जिंग मार्केट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ट्राई कर रही है कि हम इसके अंडर आ जाएं, तो हमें थोड़ा सा और रेटिंग वेटिंग इंप्रूव होगी हमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है, 1, 2, 3। तो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस इंक्लूड द अमर्जिंग डेब्ट मार्केट एंड क्लोजली मॉनिटर द लोकल करेंसी बॉन्ड्स दैट आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस डेवलपिंग नेशंस एंड इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है फार्म एक्सिल। फार्म एक्सिल क्या है, ये फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल को इन्वेस्टमेंट करने वाली इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी दैट वाज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। तो ये लाइक है जो ब्रांड इंडिया है उसी तरह से है, दैन दिस इज करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इज नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया। तो ये भी करेक्ट बात है, ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज के लिए CDSCO, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा फिर ए फॉर आगरा, दोनों यहाँ पे करेक्ट है। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको एस्टेब्लिश किया गया था 2004 के अंदर, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर है इसका हेडक्वार्टर, हैदराबाद। तो ये एक प्रमोशनल बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है कि फार्मा एक्सल इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो इट वॉज सेटअप टू प्रमोट इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। तो ये एडवाइस भी करती है गवर्नमेंट को, और प्रमोट करने के लिए क्या है, ये सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करती है, बिजनेस मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करती है, ट्रेड डेलीगेशन भी दूसरे कंट्रीज में भेजती है, ये इसका काम है। नेक्स्ट जो बॉडी हमने देखी है वो क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन दिल्ली, एंड ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस की इंडिया के अंदर। एंड ये क्या है, जो CDSO है वो पोस्ट मार्केट सर्विलेंस भी करती है, किसी ड्रग का रिकॉल करना पड़ जाए, कोई ख़राब ड्रग आ जाए जिसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है, उसको रिकॉल भी करती है ये लाइसेंस, प्री लाइसेंसिंग एंड पोस्ट लाइसेंसिंग इंस्पेक्शन भी करती है ये बॉडी, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये क्या काम करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल्स, किसी भी ड्रग का क्या होता है, ट्रायल होता है, किसी भी वैक्सीन का क्या होता है, ट्रायल होता है, तो उसकी भी ये मंजूरी देती है। तो व्हाट आर द मेजर फंक्शन देखोगे तो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, और न्यू ड्रग के उसको भी ये अप्रूवल करती है, एंड इसकी एक कंसल्टेटिव बॉडी होती है, इसके अंदर एक क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है जो उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखता है, तो ये सारे इसके काम हैं, ठीक है। दैन नेक्स्ट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वो भी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस को ये लाइसेंस देता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू थाडिंगगुट फेस्टिवल, तो थाडिंगगुट फेस्टिवल के रिगार्डिंग आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नेपाल, तो ये एक फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसको म्यांमार में सेलिब्रेट किया जाता है, म्यांमार, तो म्यांमार, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा पहला। सेकेंड इज स्टेटमेंट इज इट विल बी सेलिब्रेटेड टू कॉमोमरेट द बुद्धाज फर्स्ट सर्मन, बुद्धा का पहला सर्मन है जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं, सारनाथ के अंदर दिया गया था, तो ये इसको सेलिब्रेट करने के लिए है, नहीं ये नहीं है, ये दिवाली की तरह फेस्टिवल होता है, जैसे कि राम को 14 साल का वनवास मिला था तो वो कहाँ पे वापस लौट के आए थे, तब हम लोग क्या है दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से उसके सिमिलरली कंपेयर करते हैं। तो बुद्धा का माना जाता है कि बुद्धा अपनी मदर को क्या है प्रवचन देने के लिए कहाँ पे गए थे, हेवन में गए थे, एंड वहाँ पे ये वहाँ पे प्रवचन देके जब वापस आए थे तब आने की खुशी में उन्होंने ये लोग थाडिंगगुट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बुद्धा के हेवन से रिटर्न करने की जो सेरेमनी ये ऑर्गेनाइज करते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, थाडिंगगुट, एंड वहाँ पे ये लाइटिंग वगैरह पटाखे वगैरह भी फोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो थाडिंगगुट फेस्टिवल मार्क द बुद्धा डिसेंट फ्रॉम हेवन, एंड ये म्यांमार के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, इसको बुद्धिस्ट लैंड बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रवचन देने जाते हैं हेवन के अंदर उसको इवेंट को बोला जाता है बुद्धिस्ट लैंड, ठीक है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज SEO की थी, तो आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज, तो वही है, कहाँ पे हुई थी, मानेसर के अंदर हुई थी, हमने डिस्कस किया था। दैन फर्स्ट स्टेटमेंट इसका है, इट इज मल्टीनेशनल एंटी टेरर एक्सरसाइज कंडक्टेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रेट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये SEO का पार्ट है, इसके अंदर इसको कंडक्ट किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज बींग कंडक्टेड बाय द NSG, इसको कंडक्ट किया गया था NSG के द्वारा, इट वॉज कंडक्टेड बाय NSG। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया एंड पाकिस्तान हैज ज्वाइंटली पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज, तो पाकिस्तान इसका पार्टिसिपेंट नहीं था, चाइना भी नहीं था, पाकिस्तान एंड चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 आर करेक्ट हियर, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। तो मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज है, इंडिया के अंदर कंडक्ट कराई गई थी NSG के द्वारा, ठीक है, एंड रेट्स के फ्रेमवर्क के अंडर होती है, रेट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि पार्ट है SEO का, रेट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तजाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, हम आगे देखेंगे। दैन SEO के अंदर कितने हैं, 8 मेंबर हैं, विजन वाले में 9 दिया हुआ है कहीं कहीं, तो वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है,
ईरान को माना गया है कि वो हम लोग एग्री कर चुके हैं कि ईरान को एडमिट करेंगे, परंतु ऑफिशियल साइट पे अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। 8 ही मेंबर हैं अभी तक, ठीक है। दान तो रेट्स है, रेट्स इज ए परमानेंट ऑर्गन है, एसईओ का परमानेंट ऑर्गन है। ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर रेट्स का हेडक्वार्टर है, एंड इसका काम क्या है, इट इज ए पिलर एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिज्म एट रीजनल एंड ग्लोबल लेवल, ठीक है। दैन एसईओ के अंदर 8 मेंबर कौन कौन से हैं, हमने ट्रिक देखी थी, पिक कुर्ता, PICK पिक कुर्ता, KURTA, ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी एसईओ की। पी से पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, दैन किर्गिस्तान, यूक्रेन, रशिया एंड तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं था, तजाकिस्तान है, ठीक है। दैन इसके 8 मेंबर आप मैप में भी देख सकते हो। तो ये मैंने रात में लिया था, तो ये बिल्कुल 8 ही मेंबर दिखाए हुए हैं साइट पेज की एसईओ की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रिपल हेलिक्स। तो ट्रिपल हेलिक्स, तो डीएनए का क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उसी का एक्सेप्शन है ट्रिपल हेलिक्स, ठीक है। इसमें 3 हेलिक्स होते हैं, एंड तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ डीएनए स्ट्रक्चर इन विच 3 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड वाइंड अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म ए ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर 3 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि वाइंड करके बनाते हैं। जैसे कि इसमें देखोगे तो ये पहला है, ए है, बी है, और तीसरा ये पर्पल कलर वाला है, तो 3 हो इसमें है, दिखाया गया है, 3 इसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ये कहाँ पे पाया जाता है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो कोलाजन में पाया जाता है। तो कोलाजन कंटेन ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो सारे कोलाजन के अंदर इसको पाया जाता है, तो दिस इज करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा C4 कलकत्ता, बोथ स्टेटमेंट हियर आर करेक्ट है। दैन ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसको आल्सो बोला जाता है SDNA और ट्रिपल DNA भी बोला जाता है, ठीक है, ट्रिपल स्ट्रैंड DNA, एंड इन विच 3 हेलिक्स होते हैं, ठीक है, एंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग के द्वारा या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, एंड उसको क्या बोलते हैं हम, हुगेस्टीन बेस पेयर बॉन्ड बोलते हैं। G CCC होता है, CCC, एंड ग्वानिन का साइटोसिन के साथ बॉन्ड होता है, एंड एडेनिन का किसके साथ होता है, GCCC होता है, AT होता है, ठीक है, GC के साथ होता है, और A का T के साथ बॉन्ड होता है, एंड ये जो सैटेलाइट DNA उसमें भी पाया जाता है। सैटेलाइट DNA क्या होता है, सेट DNA और सैटेलाइट DNA क्या होता है, ये हाईली रिपीटेटिव DNA होता है, जो एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है DNA की जो बार बार रिपीट करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सैटेलाइट DNA बोलते हैं। हाईली रिपीटेटिव DNA कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस रिपीटेड एट लार्ज नंबर ऑफ टाइम। तो सारे कोलाजन में ये पाया जाता है ट्रिपल हेलिक्स DNA। देन कोलाजन क्या होता है, कोलाजन इज ए टफ इनसोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन होता है। तो कोलाजन क्या होता है, प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, लगभग 30% जो प्रोटीन है वो कोलाजन होता है, एंड ये स्किन वगैरह में भी पाया जाता है। तो कोलाजन क्या होता है, कोलाजन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड से बना हुआ ये प्रोटीन है कोलाजन, ठीक है। इसके अंदर 3 अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, प्रोलाइन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलाइन, ठीक है। इसमें ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी होता है, एंड ये कनेक्टिव किस किस में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, स्किन, टेंडन्स, बोन, कार्टिलेज में कोलाजन पाया जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है टू टिश्यूज को, एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग टिश्यू रिपेयर, इम्यून रिस्पॉन्स, सेलुलर कम्युनिकेशन, सेलुलर माइग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है कोलाजन का, एक कनेक्टिव टिश्यू सेल है जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट के अंदर कोलाजन का फॉर्मेशन होता है, एंड जैसे जैसे लोग बुढ़े होते जाते हैं तो उनकी स्किन पे क्या है, रिंकल आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कोलाजन का डिफॉर्मेशन होता है, तब उसके कारण क्या है, कोलाजन के डिफॉर्मेशन के कारण रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये जो हम देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये क्रीम है जो लोगों को दी जाती है, उसमें क्या है, कोलाजन कंटेन करते हैं ताकि वो आपको जवान दिखा सके, जवान दिखाने वाली क्रीम में क्या होता है, कोलाजन होता है। ये पाउडरी फॉर्म में भी हो सकता है या पेस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, क्रीम में, दोनों फॉर्म में इसको लेते हैं लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू यूएन पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन प्रोवाइड बोथ पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, वो इसको पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है, तो दिस इज करेक्ट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, एट प्रेजेंट इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ फोर्सेज टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। तो
इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट, तो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट है, तो पहले पे कौन है, बांग्लादेश है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि बांग्लादेश लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है अभी तक का, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया डिप्लॉयड द फर्स्ट ऑल वोमेन पीस कीपिंग कॉन्टीजेंट टू लिबेरिया। तो लिबेरिया अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ पे हमने 2007 के अंदर ही ऑल वोमेन पीस कीपिंग कॉन्टीजेंट यहाँ पे भेजी थी। एंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है, तो फर्स्ट इज करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट है, तो बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। एंड जो यूएन पीस कीपिंग है उनको ब्लू हेलमेट भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लू कलर का हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। देन इसके रिगार्डिंग और देखते हैं। एंड तो 2007 में हमने भेज दिया था, ठीक है। देन जो कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं, बांग्लादेश पहले नंबर पे है, दूसरे पे इंडिया है, तीसरे पे नेपाल है। एज ऑफ 30 सितंबर 2022 का ये डेटा है, 30 सितंबर 2022 का साइट पे दिया हुआ है, लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। एंड देन ये एक प्रोग्राम चलाया गया था A4P, एक्शन फॉर पीस कीपिंग, ये यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल हैं, उनका प्रोग्राम था पीस कीपिंग फोर्सेज के साथ में, एक्शन फॉर पीस कीपिंग, A4P बोला जाता है, इसी का प्रोग्राम है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यूएन पीस कीपिंग में रिफॉर्म करने के लिए 2005 के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसका नाम क्या था, बर्मी रिपोर्ट। तो ये किससे रिलेटेड है, यूएन पीस कीपिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, इसको चेयर किया था लखदार बर्मी ने चेयर किया था, और ये रिपोर्ट प्रोड्यूस की थी, ये इंडिया का बंदा नहीं है, ये कहीं और कंट्री का बंदा है, अफ्रीका का है शायद। देन बर्मी रिपोर्ट इसी से रिलेटेड है, याद रखना है किससे रिलेटेड है, यूएन पीस कीपिंग रिफॉर्म से है। देन एक और रिपोर्ट बनाई गई थी एंड जिसको बोलते हैं जॉस रैमजो एंड अमीरा हक ने इसको हेड किया था, इस पैनल को 16 मेंबर पैनल बनाया गया था, एंड जॉस रैमजो एंड अमीरा हक पैनल है, वो भी इस पीस कीपिंग से रिलेटेड है। देन यूएन पीस कीपिंग है वो तीन बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती है, तो तीन बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, इट इज़ गाइडेड बाय थ्री बेसिक प्रिंसिपल, पहला है कंसेंट ऑफ पार्टीज, तो पार्टीज की कंसेंट के बिना ये वहाँ पे काम नहीं करती हैं। सेकेंड इज इम्पार्शियल होती हैं, एंड ये थर्ड इज नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस इन ऑफ द मैंडेट, तो जो मैंडेट दिया गया है उसके डिफेंस में या सेल्फ डिफेंस के बिना ये फोर्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो तीन ये याद रखना है, कंसेंट ऑफ पार्टीज प्रिंसिपल, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट, ठीक है। अभी करंटली कितने पीस कीपिंग मिशन काम कर रहे हैं, 12 पीस कीपिंग मिशन काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं जो, एंड ओवरऑल 70 से ज़्यादा हो गए हैं, 71 के करीब हैं, 1949 से इनको चलाया जा रहा है यूएन पीस कीपिंग मिशन को। देन तीन कॉन्टिनेंट में ये भी करंटली काम कर रहे हैं। तो इनका जो काम क्या होता है पीस कीपर का, ये प्रोटेक्टिंग दी सिविलियन को प्रोटेक्ट करना भी इनका एक एम होता है, डिसआर्मामेंट डीमोबिलाइजेशन करने के लिए भी होता है, रीइंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मर कॉम्बेटेंट होता है, जो कि रेबल्स होते हैं उनको रीइंटीग्रेशन करने के लिए भी काम करती है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए भी काम करती है, पॉलिटिकल पीस, ह्यूमन राइट्स को प्रमोशन के लिए भी किया जाता है काम कर रहे हैं ये लोग, रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर करने के लिए, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो वहाँ पे उसको ये रूल ऑफ लॉ को भी रिस्टोर करने के लिए काम करते हैं। तो अभी कितने 12 ऑपरेशन कंट्री काम कर रहे हैं पीस कीपिंग के अंदर, इसका जो लॉन्ग लास्टिंग पीस एस्टेब्लिश करना इनका काम है, गोल है, 72 ईयर्स के अंदर 1 मिलियन पीपल एंड वोमेन ने इसमें सर्व किया है लगभग यूएन पीस कीपिंग के अंदर। एंड बाय 2028 तक इनका टारगेट है कि जो वोमेन का नंबर है इनमें जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनमें ट्रिपल करना है, वोमेन को कितना करना है, 3 गुना करना है, एंड डबल द नंबर ऑफ वोमेन सर्विंग इन फॉर्म्ड जो यूनिफॉर्म वाली पुलिस में जो यूनिट में होती है उनका नंबर डबल करना है। एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है इनके जो ऑपरेशन है, इसका जो बजट है वो 0.26% से भी कम होता है ग्लोबल जो मिलिट्री होती है उसके। इसके लिए एक फंड भी बनाया गया था, ट्रस्ट फंड ऑन सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन, जो इंडिया ने प्रपोज किया था 2016 में, ठीक है। इंडिया ने फर्स्ट कंट्रीब्यूट किया था इसके अंदर, फर्स्ट कंट्री था जो इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला 2016 के अंदर। तो इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, वो इंडिया एंड पाकिस्तान ये काम कर रहा है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान है, ये भी वन ऑफ द 12 मिशन है यूएन पीस कीपिंग का, वन ऑफ द 12 मिशन है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड
इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुछ टाइम के लिए इस्लामाबाद में रहता है, नवंबर टू अप्रैल में श्रीनगर में रहता है, कुछ टाइम इंडिया में रहता है, कुछ टाइम पाकिस्तान में रहता है इसका हेडक्वार्टर। देन ये 1949 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। LAC की कंडीशन को मॉनिटर करता है ये, LOC की लाइन ऑफ कंट्रोल की जो पोजीशन है उसको मॉनिटर करता है, और यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उसको रिपोर्ट देता है, ये सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट करता है, ठीक है। एंड इसको जो मिलिट्री हेड होता है वो उसको हेड करता है। देन ये ऑब्जर्व कर रहा है सीज फायर इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 24 जनवरी 1949 से ये काम कर रहा है वहाँ पे, एंड इट इज़ कमांडेड बाय मिलिट्री एडवाइजर होता है यूनाइटेड नेशन का, अपॉइंटेड बाय US सेक्रेटरी जनरल, इसका UN का सेक्रेटरी जनरल इसको मिलिट्री एडवाइजर को अपॉइंट करता है और उसके अंडर में ये काम कर रहा है। एंड इंडिया के 2 मिलिट्री एडवाइजर हो चुके हैं UN को, कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं अभी तक इंडिया से बिलोंग करने वाले। दान इंडिया ने अभी प्रपोज किया है UN पीस कीपिंग रिफॉर्म करने के लिए 10-point फार्मूला दिया है टू एड्रेस द सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस्ड बाय यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका जो डिसीजन कौन लेता है कि कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश करना है, मेंटेन कैसे करना है पीस कीपिंग को, तो वो डिसीजन लिया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो डिसीजन अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस और एक्सपेंशन ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन आर टेकन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। एंड कैपस्टोन डॉक्ट्राइन है वो भी किससे रिलेटेड है, UN पीस कीपिंग से रिलेटेड है। तो आउटलाइन द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एंड गाइडलाइन फॉर UN पीस कीपर इन द फील्ड। तो कैपस्टोन डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड है, UN पीस कीपिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस 20 डायलॉग। फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम विद द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी। तो ये G20 का ऑफिशियल बिजनेस डायलॉग है, इसके अंदर G20 के साथ बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो दिस इज करेक्ट है, इट इज ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम विद द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी। सेकेंड इज वाइल इंडोनेशिया इज द प्रेजिडेंट ऑफ G20, तो इस साल में G20 का जो प्रेजिडेंट है इंडोनेशिया है, इंडिया इज चेयर ऑफ B20, इंडिया चेयर नहीं है, दिस इज रॉन्ग है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, A फॉर आगरा। तो B20 क्या है, ये ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है विद ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी, ठीक है। एंड इसी के एक मीटिंग कराई गई थी, उसके रिलेटेड ये न्यूज़ में था। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2010 के अंदर, तो B20 को एस्टेब्लिश किया गया था 2010 के अंदर। G20 के अंदर कितने हैं, 20 कंट्रीज हैं जो रिप्रेजेंट करती है, लगभग 60% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है G20, 3/4 ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है एंड 85% ग्लोबल GDP को G20 रिप्रेजेंट करता है। मेंबर हम पहले देख चुके हैं, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, तो पहला स्टेटमेंट इज इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस बॉडी। तो ये क्या है, मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस बॉडी है, दैट इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू माइन एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2015। माइन एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, दिस इज करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करती है। एंड फंड्स ऑल द माइनिंग एक्टिविटीज इंडिया, ऑल द माइनिंग एक्टिविटीज को फंड नहीं करती है, ये माइनिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करती है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। तो नाम से पता चलता है ये मिनरल एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करने वाली एक बॉडी है, तो इसका आंसर ए फॉर आगरा है। तो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया गया था MMRDA एक्ट 1957 का अमेंडमेंट किया गया था 2015 के अंदर, फिर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एंड ये ऑटोनॉमस बॉडी है इसके अंदर, जो कि इंडिया के अंदर एक्सपीडाइट मिनरल एक्सप्लोरेशन को एक्सपीडाइट करने के लिए बनाई गई है। एंड इसके जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के जो फंड होते हैं वो फंडिंग इसके लिए यूज किए जाते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसके अंदर जो है माइनिंग लीज और प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस का माइनिंग लीज होल्डर होता है वो इसको 2% रॉयल्टी देता है, 2% रॉयल्टी जिसके पास माइनिंग लीज होगी वो इसमें डिपॉजिट कराता है। तो ये पहले देता है स्टेट गवर्नमेंट को देता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट इसको इसमें डिपॉजिट कराती है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें डिपॉजिट कराती है। तो किसी भी स्टेट के अंदर जो किसी भी मान लेते हैं अडानी को राजस्थान में मिली है कोई माइन, तो अडानी को राजस्थान में माइन मिली है, तो राजस्थान
गवर्नमेंट को वो 2% पहले देगा, फिर राजस्थान गवर्नमेंट इसको 2% इसमें डिपॉजिट कराएगी NMET के अंदर, ठीक है। डन। एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट इज सिमिलर टू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो ट्रस्ट है उसका सिमिलर है, दोनों सेम एक्ट के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। एंड इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंस है। दो मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के अंदर 2% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जबकि इसके अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंदर 10-30% रॉयल्टी है उसको कंट्रीब्यूट किया जाता है। दैन इनका जो ऑपरेशन है काम भी अलग अलग है, मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट वो मिनरल का एक्सप्लोरेशन को प्रमोट कर रहा है, जबकि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है वो माइनिंग वाले एरियाज के अंदर जो सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देता है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। तो इन दोनों का डिफरेंट जुरिस्डिक्शन भी अलग अलग है, एंड पहले का सेंट्रल गवर्नमेंट है इंस्टीड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था, धन्यवाद।